हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ मालवा होंडा अदचिनी में है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको होंडा के सारे ही मॉडल आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलने वाले हैं। इस साइड आपको स्कूटर का सेगमेंट मिल जाता है, बेसिकली एक्टिवा वगैरह का आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर में ये आपको स्पेशल एडिशन मिल जाता है। और इस साइड आपको बाइक का सेगमेंट मिल जाता है, SP125 CD110 डिलक्स और SP125 को साइड भी आपको मिलने वाला है। और आई थिंक ये कौन सी है, और ये आपको लीवे मिल जाती है, और बाकी सारे मॉडल भी आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं स्टॉक में। बट आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं इस बाइक का, जो कि सेलिब्रेशन एडिशन है। आपको बहुत ही लुक वाइज जबरदस्त मिलने वाला है, प्रीमियम लुक मिलने वाला है। तो पहले हम इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, सेफ्टी, कम्फर्ट, टायर, सब चीजों को। तो आप फ्रंट से देख सकते हैं, गोल्डन वर्क आपको मिलने वाला है, बहुत ही शानदार लुक मिलता है। फ्रंट से ऐसा ही दिखने वाला है। और राइट साइड आ जाते हैं, तो राइट साइड इसका प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। आपको ज्यादातर आपको गोल्डन वर्क मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाला है इसमें। और ये मिल जाता है इसका रियर सेक्शन व्यू, आप देख सकते हैं लाइट वगैरह। हम डिटेल में जब देखेंगे तो लाइट वगैरह को भी देखेंगे कैसा लाइट मिल रहा है। और ये रहा है इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल, साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड भी देख सकते हैं। ये आपको लोगों के साथ 3D में होंडा गोल्डन में बहुत ही क्लासिक लुक में मिलने वाला है। तो आइए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों साइड से रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, जो कि एडजस्टेबल है। और अपर कॉल आप देख सकते हैं, आपको ये ट्रिपल टोन कलर में मिलने वाला है। ये आपको ब्लैक कलर फिनिश में मिल जाता है, जहां पर सिल्वर में आपको होंडा का ब्रांडिंग मिल जाता है। और ये आ जाता है गोल्डन कलर में, बहुत ही प्यारा सा लुक में। और इसका साइड वाइज देखते हैं तो इसका लुक कुछ इस तरीके से, जहां पर स्टिक वर्क मिल जाता है मल्टी कलर में। तो ओवरऑल आप अपर सेगमेंट का आप देखेंगे डिजाइन लुक, तो बहुत ही आपको शानदार लुक मिलने वाले हैं। और साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं ऑरेंज बल्ब के साथ, जो कि ट्रांसपेरेंट है। और इनके लाइट को एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं कि इसका लाइट में मिलने वाला कैसा। और इसमें हेडलैम्प में आपको हैलोजन लाइट का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। और एक बार इसके लाइट को ऑन कर लेते हैं, तो ऑन होने के साथ ही आप देख सकते हैं इसका लाइट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। आपको अच्छी रोशनी मिल जाती है, साइड इंडिकेटर का विजिबिलिटी ऐसा बन जाता है। इनफैक्ट मैं एक बार स्टार्ट करके इसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ कि इसका साउंड कैसा मिलने वाला है। देख सकते हैं इसका साउंड, सुन सकते हैं कैसा मिल रहा है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका साउंड आपको कैसा लगा। और नीचे आ जाते हैं, जिसका मडगार्ड देख सकते हैं, आपको सिंगल टोन कलर मिलने वाला है, मैट रेड में मिल जाता है। पीछे थोड़ा एलिवेटेड मिल जाएगा, जिससे कि मड वगैरह नीचे गिर जाए, राइडर तक ना जाए। और इसका सब फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, और सस्पेंशन के साथ ही दोनों साइड से कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टर्न वगैरह पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम टायर की बात करें, तो इसमें ट्यूबलेस टायर दिया गया है MRF ब्रांड का। और साइज हम देखते हैं, और इसका साइज हमें मिल जाता है 80x100 18 इंच डायमीटर में। और व्हील इसमें अलॉय व्हील ब्लैक कलर में दिया गया है 5 स्पोक्स के साथ। और स्पोक्स का डिजाइन कुछ ऐसा आ जाता है, हल्का रनिंग शेप में आपको मिल जाता है। और ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो फ्रंट में आपको डिस्क और ड्रम दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड डिस्क इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम में आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जो कि काफी अच्छा हो जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अगर हम रियर ब्रेक को अप्लाई करते हैं, तो फ्रंट और रियर दोनों में लगता है, यानी यूनिफॉर्म तरीके से लगता है, जिससे कि स्किडिंग और गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। अब हम इसके फ्यूल टैंक साइड में आते हैं, तो फ्यूल टैंक का टॉप आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये मिल जाता है फ्यूल लूट, इसका डिजाइन कुछ ऐसा दिया गया है डार्क ग्रे कलर में, या ब्लैकिश टाइप में कह सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर स्टिकर वर्क में आपको सेलिब्रेशन एडिशन का स्टिकर मिल जाता है, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है, तो यहाँ से इसका इंडिकेशन मिलता है। और पूरा टैंक ही आप देखेंगे तो इस तरीके से मैट रेड में दिया गया है, और गोल्डन में आपको यहाँ पर लोगों के साथ होंडा लिखा हुआ यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही शानदार लुक दे रहा है। और साथ में स्टिकर वर्क यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, मल्टी कलर में दिया गया है, गोल्डन, ग्रे, रेड, इनके कॉम्बिनेशन में ऐसा मिल जाता है दोनों साइड से ही ऐसे। और टैंक कुछ कॉम्प्रेस इस तरीके से आ जाता है कि राइडर का ग्रिप जो है प्रॉपर बना रहे, जिससे कि बैलेंस भी अच्छा रहे। और नीचे आपको यहाँ पर गोल्डन का अगेन दिया गया है, यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो ये डिजाइन ऐसा मिलता है सेंटर में, और यहाँ पर आपको 125 लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे आ जाते हैं तो ये आ जाता है इसका, यानी इसमें किक और सेल्फ दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं।
और ये मिल जाता है ब्रेक के लिए, ये राइडर के लिए फुटरेस्ट कुशन के साथ दिया गया है, और ये पिलन राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है, ये मिलता है साइलेंसर, जिसके ऊपर आपको एक लेयर और मिल जाता है जिससे कि हीट सर्कुलेट हो जाए और राइडर को परेशानी ना हो हीट से। और रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर स्टिकर वर्क में साइन लिखा हुआ मिलने वाला है, और इसमें देखेंगे तो कलर आपको थोड़ा आउटर लेयर आपको ग्रे कलर का कुछ इस तरीके से दिया गया है। और रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो ये मिल जाता है ग्रैब बार जो कि रेड कलर में ही दिया गया है, टॉप भी आपको ऐसे मिल जाता है। और रियर सेक्शन का लाइट वगैरह भी देख सकते हैं, इसमें भी आपको बल्ब का इस्तेमाल किया हुआ मिलने वाला है। ये आ जाते हैं साइड इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए। रियर सेक्शन के लाइट्स को भी एक बार ऑन करके दिखा देते हैं कैसा दिखता है ये। रियर सेक्शन का ब्रेक लाइट, टेल लाइट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपीयर होने वाला है ऑन होने के बाद। और लेफ्ट साइड आ जाते हैं तो लेफ्ट साइड से भी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टिकर वर्क में साइन लिखा हुआ मिलने वाला है। लेडीज फुटरेस्ट दिया गया है मेटेलिक में, और सारी गार्ड या ग्रिल बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से फाइबर वर्क में दिया गया, स्टाइलिश डिजाइन में मिल जाता है आपको, जो कि सेफ्टी के लिए काफी अच्छा हो जाता है, स्पेशली लेडीज एंड गर्ल्स के लिए कि साड़ी और दुपट्टा वगैरह ना फंसे। और ये आ जाता है प्लेन राइडर के लिए एक और फुटरेस्ट एडिशनल में, राउंड शेप में डबल ग्रिप के साथ, और ये मिल जाते हैं इसमें साइड स्टैंड डबल स्टैंड दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसमें साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर भी दिया गया है जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगेन अच्छा है। और इसमें स्पीड गियर शिफ्टर कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, ऐसा मिलने से एक फायदा तो जरूर होता है, स्पेशली मुझे ये अच्छा लगता है कि इससे आपके फुटवेयर खराब नहीं होते हैं, गंदे भी नहीं होते हैं, तो इजीली तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं। और ये आ जाता है फुटरेस्ट। और अगर ये टायर देखें तो ये भी हमें MRF का ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है, इसका साइज मिलता है 80x100 18 इंच डायमीटर में दिया गया 5 स्पोक्स के साथ। और रियर सस्पेंशन में हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिलने वाला, आप यहाँ से देख सकते हैं ब्लैक कलर का स्प्रिंग दोनों साइड से ऐसे मिल जाते हैं। और रियर में हमें ड्रम ब्रेक ही मिलता है, 130mm डायमीटर मिलने वाला है, यानी फ्रंट में हमें दोनों ऑप्शन मिलते हैं डिस्क और ड्रम, जबकि रियर में आपको 130mm ड्रम ब्रेक मिलेगा। और इसका सीट देख सकते हैं, वाओ सीट का लेंथ आपको बहुत ही सफिशियंट मिल जाता है, और टू लेवल सिंगल सीट बोल सकते हैं, दोनों लेवल में ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट टू लेयर मिल जाते हैं, सीट की क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। और ये ब्राउन कलर का मिलता है, स्पेशल एडिशन है तो इसलिए इसका कलर कॉम्बिनेशन अगर आप सीट का या इसके बॉडी का देखेंगे तो काफी यूनिक सा मिलने वाला है, तो दो लोग बड़े कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। और ये एक तरह से बोलिए तो कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है, तो सामान वगैरह भी अगर लेकर जाना चाहते हैं बीच में तो आराम से ले जा सकते हैं। अब हम इसका मीटर कंसोल देख लेते हैं, तो ये भी हमें आपको एनालॉग में ही मिलने वाला है, एक बार ऑन भी कर लेते हैं इसको, ऑन होने के साथ इसका इंटरफेस ऐसा मिल जाता है, स्पीडोमीटर ओडोमीटर और यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन, ये इंडिकेटर के लिए मिल जाता है लेफ्ट राइट का यहाँ से देख सकते हैं, और ये मिल जाता है लाइट का इंडिकेशन यहाँ से। और स्विचेस की बात करें तो लेफ्ट हैंडल बार पर आपको 3 स्विच दिए गए हैं, फ्रंट में आप देखिए पासिंग के लिए दिया गया है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर के लिए दिया गया है और हॉर्न के लिए, और राइट साइड में एक स्विच दिया गया है किल स्विच का, और ये सेल्फ स्टार्ट के लिए भी यहीं से मिलता है। इसका इंजन की बात कर लेते हैं तो इसका इंजन आपको यहाँ पर मिलेगा ब्लैक कलर में, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसका इंजन हमें मिलता है एयर कूल 4-स्ट्रोक BS6 इंजन, जिसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा 124 cc, मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा 11 Nm एट द रेट 6000 RPM, और इसका पीक पावर मिलता है 10.74 PS एट द रेट 7500 RPM। अब हम इसका डायमेंशन देख लेते हैं, तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस में मिलता है 162 mm में, जो कि काफी अच्छा हो जाता है ऑफ रोडिंग के लिए भी, और व्हील बेस हमें इसमें मिलता है 1285 mm, और सीट हाइट 791 mm, और इस बाइक का कर्व वेट आ जाता है 114 kg, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका मिलता है 10.5 लीटर, जो कि सफिशियंट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका कलर ऑप्शन वगैरह, तो इसमें बेसिकली ये सेलिब्रेशन एडिशन है, इसमें हमें दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, तो पहला आप देख रहे हैं मैट रेड, और दूसरा आपको ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। और इसका टॉप स्पीड हमें मिलने वाला है 95 के आसपास, और इसका माइलेज मिल जाता है आपको 65-70 km/L का, जो कि काफी अच्छा हो जाता है, और वैसे भी इसका इंजन काफी अच्छा है, काफी पॉपुलर ये बाइक भी है कि आपका ड्यूरेबिलिटी इसमें काफी अच्छा मिल जाता है। और लास्ट में देख लेते हैं कि ये बाइक अवेलेबल कितने में है, तो इसमें दो वेरियंट है जैसा कि हम जानते हैं, डिस्क और ड्रम में, तो अगर हम ड्रम में लेते हैं तो इसका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 92,750 रुपीज के अप्रोक्स, और अगर हम डिस्क में लेते हैं तो 97,100 के अप्रोक्स आने वाला है। और यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ का एड्रेस भी और कॉन्टेक्ट नंबर भी, तो फर्दर क्वेरी आप कॉल करके या विजिट करके कर सकते हैं। तो ये बाइक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वैसे ज्यादातर लोगों ने तो राइडिंग भी किया हुआ होगा, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स एंड बाय बाय।